हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फूडोपोलिस। आज मैं आप लोगों से आलू के पापड़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और उसके लिए यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के आलू मैंने ले लिए हैं। उसे अच्छी तरह से पील कर लेंगे हम लोग, और पील करने के बाद जिस तरीके से हम लोग आलू की भुजिया बनाते हैं सेम उसी तरीके से हम लोग इन आलूओं को काट लेंगे, मतलब कि ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। आलूओं को कोई प्रॉपर शेप नहीं देना है, इसे रफली चॉप्ड करना है, बस वो पतले होने चाहिए। अब इन आलूओं को हम लोग नॉर्मल ठंडे पानी में डाल देंगे और इसे वॉश कर लेंगे। कल का जो ठंडा पानी आता है उस ठंडे पानी से ही हम लोग इसे धो लेंगे। और इन आलूओं को हम लोग दो बार धोएंगे जिससे कि इसमें का जो स्टार्च है वो निकल जाए। और इसका सबसे मस्त चीज़ क्या है इन पापड़ों का, कि इनके रंग जो है काले नहीं पड़ेंगे। आलूओं को हमने एक गमले में निकाल लिया है, मैंने भगोने में, जिसमें कि हम लोग कुक करेंगे। और इसमें आधा कप मैंने डाल दिया है पानी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम लोग डाल देंगे नमक। और इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ढककर हम लोग कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और हमने गैस बंद कर दिया है। गैस बंद करने के 5 मिनट बाद जो है हम लोग ढकना को हटाएंगे, क्योंकि आलू जो है हमें पूरी तरह से मैसी चाहिए। आप लोग देख पा रहे हैं आलू बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब मैशर की सहायता से हम लोग आलूओं को अच्छी तरीके से मैश करेंगे। ध्यान रहे ये दाना दाना नहीं रहना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से मैश हो जाना चाहिए। आपके पास मैशर ना हो तो आप करछुल का यूज़ भी कर सकते हैं, उसके पीछे वाले पार्ट से आप इसको इस तरीके से मस लेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से लिक्विड ही बन जाएगा, क्योंकि इसका बनाना है हमें पापड़। और ये पापड़ जो है सूखने के बाद भी काले नहीं पड़ेंगे इस ट्रिक से बनाने से। आलू का जो ये लिक्विड था, मतलब पेस्ट, वो 1 कप था और उसमें 2 कप हम लोग जो है पानी डाल देंगे। नॉर्मल पानी ही मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसे कुक होने के लिए हम लोग फिर से चढ़ा देंगे और इसे हाई फ्लेम में हम लोग 5 से 7 मिनट तक चलाते हुए कुक करेंगे। और ये जो आप लोग देख पा रहे थे ये सौंफ है, मतलब पतले वाले सौंफ, जीरा नहीं है। आप लोगों के पास सौंफ नहीं हो तो आप लोग जीरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सौंफ ही यूज़ किया है, क्योंकि आलू के इस मतलब पापड़ में सौंफ का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। और इस तरीके से जो है इस मतलब लिक्विड को आप चलाते हुए कुक करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाता है और बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। कुछ चिली फ्लेक्स हमने डाल दिए हैं, ज़्यादा मत डालें नहीं तो ये तीता हो जाएगा, मतलब कि तीखा हो जाएगा और बच्चे पसंद नहीं करेंगे। उसे रूम टेम्परेचर में आने तक का हमने वेट किया है, जाल से मैंने ढक दिया था। और उसके बाद अब हम लोग पापड़ों की तैयारी करेंगे। 1 टेबल स्पून ही हम लोगों को डालना है, ना ज़्यादा मोटा करना है और ना ही ज़्यादा पतला फैलाना है इसे, क्योंकि यदि आप पतला फैला देते हैं ज़्यादा तो ये उठेंगे नहीं और बहुत शेप में नहीं बनेंगे। तो जैसा मैंने फैलाया है सेम वैसे ही फैलाइए, बहुत अच्छी तरीके से ये सूखेंगे भी और यही थिकनेस रखिएगा। बहुत ही कड़ा धूप है आज, तो 2 घंटे में ये पापड़ जो है आपके सूख जाएंगे। और एक कारपेट पर मैंने इस पोलिथीन को सेलो टेप की सहायता से चिपका दिया था और उसी पर हमने पापड़ों को बिछाया है। देखिए चाकू की सहायता से मैं सारे पापड़ों को पलट दे रही हूँ, बहुत इजीली ये उठ जाते हैं और टूटते भी नहीं हैं, शेप इनका बरकरार रहता है। और किसी भी चीज़ को जब हम लोग बनाते हैं तो उसका शेप या प्रॉपर जब बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और 4 से 6 घंटे हो चुके हैं पूरी तरह से सूखने में, जो है हमारा पापड़ समय लगा है, पूरी तरीके से सूख चुका है। अब हम लोग चलते हैं इसे फ्राई करने। तेल जो है हाई फ्लेम में हम लोग गर्म किए हैं, गर्म करके उसे एकदम स्लो कर दे और तब पापड़ों को डालें। पापड़ों को हम लोगों को दोनों तरफ से फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही पतले पापड़ हैं इसलिए।
तो जब भी फ्राई करें पापड़ों को तो स्लो फ्लेम में ही पापड़ को फ्राई करें, और ये बाहर के जो मार्केट के पापड़ मिलते हैं उससे 100 times बेटर, मतलब कि टेस्ट में अच्छा होता है, किफ़ायती होता है और बहुत ही अच्छा लगता है, और घर का बना हुआ चीज़ हर तरीके से प्योर रहता है। तो आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर बनाइए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।